हेलो दोस्तों, कैसे हो? आज मैं फिर आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। पहला पार्ट में हमने क्या देखा था? अटेंडेंस शीट बनाया था। अटेंडेंस शीट में हमने क्या बनाया था कि हमने कुछ जो मंथ के नाम लिखे थे, जो हम यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे उसका यहाँ पर प्रेजेंट और अब्सेंट लगता रहेगा, और उसके बाद हम यहाँ से ईयर भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। दूसरी वीडियो में हमने क्या बताया था? दूसरी वीडियो में हमने जो है कि सैलरी स्लिप बनाना सिखाया था यहाँ से, कि सैलरी का अटेंडेंस हम कैसे रखते हैं अपने एक्सेल में। तो ये सैलरी के सारे अटेंडेंस हैं, जो कि हमारा जो है कि एम्प्लॉय कोड हो गया, एम्प्लॉय का नाम हो गया, एम्प्लॉय के फादर्स नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हमने डाली थी जो एक सैलरी बनाते समय एक वर्कर को मिलती है। जो प्रेजेंट डे हो गया, एब्सेंट डे हो गया, ओवर टाइम हो गया, ओवर टाइम सैलरी हो गया, एचआर हो गया, यानी हाउस रेंट हो गया, कन्वेंस किराया हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया यानी बच्चों को पढ़ाने के पैसे जो मिलते हैं, मेडिकल अलाउंस जो मिलता है, स्पेशल अलाउंस जो वैसे होते हैं वर्कर जिनके स्पेशल अलाउंस भी मिलते हैं, प्रोडक्शन अलाउंस, अदर अलाउंस, उसके बाद एरियल हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था कि हमने प्रॉफिट एंड फंड निकाला था, और उसके बाद लोन एडवांस आपने लिया तो लोन एडवांस का भी कॉलम हमने भरता, जिसने नहीं लिया था उसे नहीं भरा था। उसके बाद अदर डिडक्शन भी किया था, TDS 5% कराया था, और ग्रोथ सैलरी और नेट सैलरी निकालती। तो दोस्तों, जो दूसरी वीडियो थी वो भी आपको अच्छी लगी, और जो कि अब जो हम करने जा रहे हैं वो हमें जो है कि क्या करना है कि जैसे मान लो कि हमने अटेंडेंस शीट तो बना ली, उसके बाद सैलरी डिटेल भी अपने पास रख ली, अब हमें पे स्लिप चाहिए। तो पे स्लिप का भी मैंने एक वीडियो बनाया है। ये तीन वीडियो आपको एक साथ में मिल जाएगी और तीनों वीडियो को आप देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर जो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। तो दोस्तों, चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ मंथ सेलेक्ट किया है। अगर जो हम यहाँ से अटेंडेंस शीट में से कोई भी मंथ यहाँ से चेंज करते हैं, सपोज करो हम यहाँ से मंथ हम फरवरी ले रहे हैं, तो यहाँ पे आके ये चेंज हो जाएगा, फरवरी आ गया यहाँ, ठीक ना। तो जो भी हम यहाँ अटेंडेंस शीट में मंथ डालेंगे वही वहाँ दिखेगा, ठीक है, और उसी मंथ की सैलरी स्लिप हम बनाएंगे। अब यहाँ भी हमारा वही सैलरी स्लिप यहाँ आता रहेगा, जो भी हम जाएंगे वही मंथ का यहाँ कैलकुलेट होता रहेगा। अब चलते हैं पे स्लिप पे। दोस्तों, पे स्लिप का हमने जो है ना कि ये अटेंडेंस शीट हमारी है, इससे हमने जोड़ दिया है। यहाँ पे भी देखो हमारे एम्प्लॉय के कोड है, लास्ट में 74 75 76 77 और 78, ये सारी चीज़ें हम यहाँ एम्प्लॉय नेम क्या है 16, तो 16 हम देखते हैं कि इसमें क्या है 16। आगे चलते हैं, इधर है, ये रहा 16, ठीक है, 16 16 1 62 63 64, तो जिनके हम करेंगे उनके अटेंडेंस यहाँ दिखाएगा। यहाँ से हम चेंज करेंगे, लो 61, तो सुमित कुमार देखते हैं इसमें है कि ना दूसरे नंबर, दूसरे में तो सुमित कुमार है। उसके बाद यहाँ हम चेंज करेंगे 62, तो यहाँ देखते हैं सुरेश, देखो इसमें भी सुरेश आ गया, ठीक है। तो ये कैसे हुआ है, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाई स्टेप देखेंगे, जो हमारी सारी चीज़ें यहाँ चेंज होता रहेगा। जो भी हमारी सैलरी बनी है यहाँ चेंज हो जाएगी, देखो यहाँ सारा चेंज हो रहा है, इसमें भी चेंज हो रहा है, सब चेंज होता रहेगा। आप यहाँ से करोगे और सारी चीज़ें चेंज होगी, देखो यहाँ से सब चीज़ें चेंज होगी। ये कैसे हुआ है और किस तरह से हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और वीडियो को बिल्कुल जो है कि स्किप मत करना। तो दोस्तों, हम यहाँ से ये सारे फॉर्मेट कर रहे हैं, यहाँ से सारी चीज़ें हम जो है कि डिलीट कर देते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक हमारी डिलीट हो जाएगी, फिर यहाँ से भी ये सारे हम डिलीट कर देंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हम डिलीट करके और तब उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, कि ये आपको पता चले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, और ये भी यहाँ से हटा देते हैं, और ये दोनों तो हटा ही देते हैं, ये भी दोनों, ठीक है। अब क्या है कि ये वाला है, इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेट कर देंगे, क्योंकि अभी हमने यहाँ फार्मूला लगाया था, वो फार्मूला अभी यहाँ दिख रहा है हमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे होम पे जाएंगे और होम पे जाके यहाँ से और उसके बाद क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद
हम जो है कि इसी का कलर ले लेंगे और इससे बॉर्डर लगा देंगे। ये बॉर्डर हो गया और कलर यहाँ से ले लेते हैं ये वाला, सॉरी ये नहीं है कोई और है, ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हो गया, थोड़ा सा डार्क हुआ है, थोड़ा सा इसे नीचे वाला लेना पड़ेगा, ऊपर वाला लेना पड़ेगा, अब सही हो गया, अब ये मिल गया एकदम। ठीक है, यहाँ हमें जो है कि डाटा वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, तो हम यहाँ जाएंगे और डाटा में जाएंगे और डाटा में जाकर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे और डाटा वैलिडेशन को लेंगे, यहाँ जाएंगे लिस्ट में और लिस्ट में जाने के बाद जाएंगे सोर्स में, और सोर्स में जाने के बाद हम किसे में जाएंगे, जो हमारी सैलरी डिटेल है उसमें जाएंगे और यहाँ से जाके और इम्प्लॉय कोड को सेलेक्ट करेंगे और एंटर मार देंगे। अब देखिए हमारा इम्प्लॉय कोड आ गया। अब दूसरे में हमें नेम लाना है, तो यहाँ वी लुकअप का यूज करेंगे, इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी कोमा, उसके बाद कहाँ जाएंगे सैलरी में, तो टेबल, पूरी टेबल को सेलेक्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ से और कोमा, और जो है कि कॉलम नंबर कौन सा लेना है, तो कॉलम नंबर लेना है दूसरा, तो हम यहाँ 2 डालेंगे और कोमा लगाएंगे और एग्जिट में के लिए 0 करेंगे और ब्रेक इट बंद और एंटर। अब देखते हैं यहाँ, यहाँ क्योंकि हमने अभी कुछ डाला नहीं है तो ये 0 ही दिखाएगा, ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ डाल देते हैं कि हमें दिखता रहेगा सारी चीज़ें, ठीक है, दिखती रहेगी। चलो दूसरा क्या, दूसरा फादर्स नेम, तो इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे और हमारा जो कि लुकअप कौन सा होगा, ये वाला होगा कोमा, टेबल है, टेबल ले रहे हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, और एक्सेप्ट सारे को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कोमा और 3 कोमा और एग्जिट मेट के लिए 0 और उसके बाद ब्रेक इवन और एंटर। अब फादर्स नेम आ गया, अब उसके बाद क्या है, तीसरे नंबर पे क्या है, इज इक्वल टू, देखते हैं तीसरे नंबर पे क्या है, तीसरे नंबर पे हमारा जो है कि डिपार्टमेंट है, तीसरे नंबर पे क्या है डिपार्टमेंट है और चौथे नंबर पर डिजिग्नेशन है, तो तीसरे नंबर पर डिपार्टमेंट को लेते हैं, तो डिपार्टमेंट में आते हैं, क्लिक करते हैं डिपार्टमेंट, यहाँ आते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली होगी कोमा, टेबल रे, टेबल रे हम यहाँ जाएंगे और यहाँ से पूरा टेबल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ तक, और उसके बाद क्या लगाएंगे, कोमा लगाएंगे और 4 नंबर पे, 3 नंबर पे कोमा, एक मिनट, 3 नंबर है या 4 नंबर है देख लेते हैं, यहाँ से आते हैं 1, 2, 3 3 नंबर है, 3 नंबर है, तो इसमें 3 नंबर भी डाल देते हैं, थ्री नंबर और कोमा और 0 और एंटर, 3 नंबर तो ये आ गया, यहाँ 4 नंबर करते हैं, 4 नंबर अब आ गया, ठीक है, डिपार्टमेंट पुलिस डिजिग्नेशन पद, यहाँ करते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप और लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, लुकअप वैल्यू ये होगी कोमा और यहाँ आते हैं और टेबल एरे, तो 4 था ये 5 हो जाएगा, ठीक, कोमा 5 कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है, यहाँ ही आ गया। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद 6 नंबर पे हमारा कौन सा है, वैन नंबर, तो 6 नंबर पे आ गया वैन नंबर, वैन नंबर हमारा ये है इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी
कोमा टेबल एरे, तो टेबल एरे हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं कोमा और 6 नंबर कोमा और 0 एंटर, ये आ गया। अब उसके बाद क्या है, उसके बाद आ रहे डे पेबल, तो डे पेबल यहाँ देखते हैं इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी होगी ये कोमा टेबल एरे, टेबल एरे। अब हमारा कौन सा होगा, तो हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ है ना, 8 9 10। अब पर जेट डे हम लेंगे 10 दिन के, तो हम क्या करेंगे, 10वां है तो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे, 10 नंबर है हमारा तो उसमें कोमा और इसमें डालेंगे 10 कोमा 0 ब्रेक हो गया। पी एफ हमारा क्या लेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी कोमा टेबल एरे। अब देखते हैं ये किस पे है, ठीक है, तो यहाँ आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे है, तो पहले इसे सेलेक्ट करें, 7 नंबर हमने गिन लिया है और यहाँ के कोमा लगाएंगे, 7 लगाएंगे कोमा और 0 और एंटर, ठीक है, तो ये भी आ गया। उसके बाद यहाँ तो हमारा हो गया, अब उसमें उसके बाद हमें क्या लाना है, यहाँ चेंज करके एक बार देख लेते हैं, ये तो हमारा हो गया सही, ठीक है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है, सही काम कर रहा है, प्रॉपर काम कर रहा है, बिल्कुल फिट है, ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब चलते हैं इसे ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। अब आगे हम ले लेते हैं नीचे वाली, यहाँ हमें मूल बेसिक सैलरी लानी है, तो बेसिक सैलरी के लिए क्या करेंगे हम, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, यही होगी कोमा टेबल एरे। अब टेबल एरे में बेसिक सैलरी देखते हैं कि कहाँ पे है, गिन लेते हैं बेसिक सैलरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 नंबर पे है, तो 9 डालना है, तो हम पहले सेलेक्ट करते हैं 9 नंबर गिन लेते हैं और उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कोमा 9 नंबर हो गया कोमा और 0 ब्रैकेट बंद और एंटर 9 नंबर आ गया हमारा। ये अब उसके बाद क्या है, एच आर ए, तो एच आर ए देखते हैं, अब तो सीरियल नंबर से हमें लेना है, एच आर ए देखते हैं, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये होगी ये कोमा टेबल एरे, टेबल एरे। अब देखते हैं पहले इसे भी गिन लेते हैं, उसके बाद तो हमें मालूम ही चल जाएगा एच आर ए के बाद से, तो सीरियल नंबर से है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके बाद 11 ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 नंबर पे है, ठीक है, तो हम करते हैं इसे सेलेक्ट और उसके बाद कोमा 14 नंबर लिख दिया, उसके बाद ब्रैकेट बंद और 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर हो गया। अच्छा कन्वेंस 15 नंबर पे आएगा, कन्वेंस लुकअप वैल्यू ये होगी हमारी कोमा और उसके बाद टेबल एरे, तो टेबल एरे हम देखेंगे, टेबल एरे हमारा जो है कि यहाँ से लेकर और यहाँ से, तो इसे करेंगे जो है कि 15 नंबर कोमा कोमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर, सॉरी ये गलत हो गया, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है कोमा टेबल एरे, टेबल एरे हम यहाँ से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी 10 नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी 15 नंबर होगा,
सकता हूँ ये, कोमा लाएंगे, 15 नंबर लिख के कोमा, 0 और एंटर। क्या हो गया, देखते हैं क्यों नहीं काम कर रहा। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, कोमा, टेबल ले रहे हमारा जो है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो 15 होगी। तो हम यहाँ से पहले इसे सेलेक्ट करते हैं, कोमा लगाते हैं और यहाँ 15 करते हैं, कोमा लगाते हैं, जीरो लगाते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर मारते हैं। अब आ गया फिर केलर एजुकेशन, 15, 16 नंबर आएगा। तो फिर करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी, कोमा, टेबल ले रहे हमारा जो कि कहाँ से, यहाँ से देख के और यहाँ तक, ठीक है, ठीक है। 16 नंबर हो जाएगा तो इसमें करेंगे कोमा और 16 और कोमा और 0, ब्रैकेट बंद और एंटर, ठीक है, ये भी आ गया। अब 70 हो जाएगा तो इज इक्वल टू वी लुकअप और वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, एम्प्लॉय कोड होगा और उसके बाद लगाएंगे कोमा, टेबल ले रहे अब यहाँ से और यहाँ तक और कोमा और 60 के बाद 70, कोमा, 0, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये भी आ गया। स्पेशल अकाउंट इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये होगी, कोमा, टेबल और यहाँ से लेकर और यहाँ तक और कोमा और इसमें करेंगे 80, कोमा, 0, ब्रैकेट बंद और एंटर। अब क्या स्पेशल है, उसके बाद प्रोडक्शन ले लाओ, स्पेशल अलाउंस के बाद प्रोडक्शन ले लाओ, ठीक है, स्पेशल अलाउंस होगा प्रोडक्शन अलाउ। तो प्रोडक्शन अलाउ के लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्शन अलाउंस किस नंबर पे है, 80, 90 आ जाएगा यहाँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये है, कोमा, टेबल ए रे हम यहाँ से लेंगे सारा, यहाँ से क्लिक करेंगे और सारा और कोमा और इसमें आएगा 90, कोमा और 0, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये भी है। अब हो गया प्रोडक्शन अलाउंस और अब आएंगे अदर अलाउंस, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, कोमा, टेबल ले रहे हमारी शुरू से लेकर यहाँ से लेके और इसमें डालेंगे कोमा, 20, कोमा, 0, ब्रैकेट बंद और एंटर, ओके। उसके बाद है एरिया इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये रही, कोमा, टेबल एरिया यहाँ जाएंगे और शुरू से लेकर और लास्ट तक लेना है, ठीक, यहाँ से लेकर पूरा डाटा लेना है, ठीक है, और कोमा लगाना है और 21, कोमा, 0, ब्रैकेट बंद और एंटर, ये भी आ गया। अब क्या करना है, अब हमें इधर का ले लेना है, इधर का लेते हैं। अब प्रोविडेंट फंड तो इज इक्वल टू
वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे पूरा लेते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कोमा 21, कोमा 0 और ब्रैकेट में एंटर 21, 21 3000 है, ट्वेंटी टू आएगा, यह रोड ने 2325 देखते हैं, 2325 सही है। लोन एडवांस, लोन एडवांस के लेते हैं 2324 जो भी बी लुको, और उसका लुको वैल्यू हमारी ये होगी, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे हम क्या करेंगे, सारा डाटा हमें लेना है यहाँ से लेकर और यहाँ तक, कोमा और 23, कोमा 0 ब्रैकेट बंद और एंटर। अब देखते हैं 3500 रुपये, तो देखते हैं कि 3500 रुपया है कि नहीं, पीएफ के बाद यह है 3500 रुपया। अब अदर डिडक्शन, अदर डिडक्शन देखते हैं, अदर डिडक्शन हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे हमें पूरा लेना है, टेबल एरे हम पूरा लेंगे और कोमा लगाएंगे और 24 लिखेंगे और कोमा और 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। अब TDS, TDS इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे तो हमें पता है सारे लेने हैं, टेबल एरे हमारे सारे लेने हैं और कोमा, ठीक ना, कोमा उसके बाद 25, कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर। TDS हमारी कितनी हुई, 775, देखते हैं 775 क्या, 775 है TDS। अब हमारी ग्रोथ सैलरी, तो ग्रोथ सैलरी कैसे निकलेगी, चलिए ग्रोथ सैलरी निकालते हैं। तो ग्रोथ सैलरी को हम क्लिक करते हैं इस पर और आ जाते हैं ग्रोथ सैलरी, ग्रोथ सैलरी हमारा यहाँ हो जाएगी इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, ये वाली, कोमा और टेबल एरे, टेबल एरे हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ तक, और कोमा 26, कोमा 0 ब्रैकेट में और एंटर, हमारी ग्रोथ सैलरी ये आ गई, ग्रोथ सैलरी हमारी ये आ गई। अब क्या है, नेट सैलरी, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम जो है कि यहाँ ओवर टाइम निकालते हैं, तो ओवर टाइम हमारा कहाँ है, तो ओवर टाइम के यहाँ फार्मूला लगाएंगे, पहले ओवर टाइम देख लेते हैं कि किस कॉलम में है ओवर टाइम हमारा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पे है, तो हम आ जाते हैं यहाँ इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू ये, कोमा टेबल एरे, टेबल एरे पूरा यहाँ से और यहाँ तक, कोमा 20, कोमा 0 और ब्रैकेट बंद और एंटर, 10 नंबर हो गया। अब अब्सेंट डे, अब्सेंट डे देखते हैं किस पे, ओवर टाइम सैलरी निकाल देते हैं, चलो इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू
ये है कोमा टेबल एरे, टेबल एरे हम यहाँ से लेते हैं, और यहाँ से लेने के बाद तो पूरा सेलेक्ट कर देते हैं कोमा 13 लिख देते हैं, और कोमा और जीरो और ब्रैकेट बंद और एंटर, तो ओवर टाइम सैलरी नहीं हुई। सॉरी डिलीट करते हैं। इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी कोमा टेबल एरे, टेबल एरे देखते हैं कहाँ से कहाँ तक है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ओवर टाइम का तो 13 का ही है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं फिर एक बार और लगा के देखते हैं, और कोमा 13 0 ब्रैकेट बंद और एंटर आ गया। अब अपसेंट दें, अपसेंट डे देखते हैं, अपसेंट डे के कहाँ कितने नंबर पे है, तो हम जो कि अपसेंट डे क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 पे अपसेंट डे है, ठीक है, तो 11 पे करेंगे अपसेंट डे। ठीक है, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी क्या होगी, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये है कोमा टेबल एरे, टेबल एरे हमारा टोटल हम लेंगे यहाँ से लेकर, और कोमा और 11 और कोमा और 0 और ब्रेक इवन और एंटर, ठीक है हो गया। अब क्या, अब हमारी नेट सैलरी आएगी, तो नेट सैलरी को देखते हैं, नेट सैलरी यहाँ जोड़ेंगे, नेट सैलरी को यहाँ करेंगे इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारी ये होगी कोमा टेबल एरे, टेबल एरे ये है, तो यहाँ से गिनते हैं कितने नंबर पे आ रहा है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 27 पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे 27 करेंगे, पहले इसे पूरे को सेलेक्ट करते हैं यहाँ से कोमा और 27 कोमा 0 12। अब दोस्तों हमारी सैलरी बनके तैयार हो गई। अब हम यहाँ जब भी किसी भी एम्प्लॉय का यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो उसकी सैलरी आ जाएगी, ये सारी टोटल सैलरी हो गई, ग्रोथ सैलरी हो गई, और ये उसकी जो है कि टोटल सैलरी हो गई, ठीक है ना, इसको निकाल के टोटल सैलरी, ओवर टाइम उसका इतना होगा, ओवर टाइम देखते हैं कि इतना हो रहा है कि नहीं, दूसरे नंबर पे ओवर टाइम दूसरे नंबर पे 951.92 तो 951.92 यहाँ हो रहा, ठीक है ना, सही है। उसके बाद जो है कि इसके ग्रोथ देखते हैं 23,813, तो यहाँ आ जाते हैं 23,816 देखते हैं 23,813 आ रहा, और जो कि नेट सैलरी आती है 20,413, तो हम इसमें देखते हैं जाके 20,413 है क्या, 20,413 तो बिल्कुल राइट है, हम जो भी यहाँ से चेंज करेंगे ठीक ना, वो हमारा यहाँ सैलरी बनती रहेगी, और यहाँ एम्प्लॉय के सारे सैलरी तैयार होती रहेगी, तो ऐसे हम
पे स्लिप तैयार कर सकते हैं। यहाँ जितना होगा आप डाल लेना, हमारा उतना आया था, हमने इसमें एक बार डाला था, जो भी यहाँ चेंज होगा वो डाल के आप ना जो वर्ड में लिखा होगा लिख लेना वर्ड में, और लिख के और जो है कि पे स्लिप निकालते रहना। यहाँ से बस सैलरी डिफाइन करनी है हमें, किस व्यक्ति का हमें चाहिए। यहाँ सीनियर में से गुस्सा जो है कि एम्प्लॉय कोड है, एम्प्लॉय कोड पे क्लिक करते जाइए, देखिए सारा चेंज होगा, सब चीज़ चेंज होगा, कितने कौन परसेंट प्रेजेंट, कितने दिन प्रेजेंट था, कितने दिन अब्सेंट था, ये सारी चीज़ें आपको एक सॉफ्टवेयर जैसा बना दिया है कि जिससे आप कहीं भी जाएंगे तो पे स्लिप बना सकते हैं। बस एक बार वहाँ डिटेल्स अपना भर दिए, यहाँ पे स्लिप तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों हमने अटेंडेंस शीट बनाना सीखा। पहले क्या है कि हमने जो है कि अटेंडेंस शीट बनाई, अटेंडेंस शीट में आपने देखा कि मैंने कैसे कैसे अटेंडेंस शीट बनाए थे यहाँ। उसके बाद हमने सैलरी डिटेल रखी कि सैलरी हमें कौन कौन सी सैलरी देनी है और किस किस एम्प्लॉय को देनी है और उसमें क्या क्या अर्निंग होता है और क्या क्या डिडक्शन होता है, ठीक है। और उसके बाद हमने पे स्लिप बना के तैयार किया। तो दोस्तों एक ही वीडियो में हमने तीन वीडियो अलग अलग बनाई और एक ही मैटर पे तीनों वीडियो है। पहले अटेंडेंस हमने बनाए, उसके बाद हमने सैलरी डिटेल रखी और उसके बाद हमने पे स्लिप निकाली।